मसूरी गोलीकांड की 28वीं बरसी है और आज सभी राजनीतिक और सामाजिक संगठनों के लोग यहां पर शहीदों को श्रद्धांजलि देने आ रहे हैं और उसी परिपेक्ष में उत्तराखंड क्रांति दल से भी कई नेता यहां पर पहुंचे। हमारे साथ एरी साहब है, उनसे बात कर लेंगे। सर, अगर बात करी जाए 28वीं वर्षगांठ हम मना रहे हैं जिस दिन मसूरी गोलीकांड हुआ था, क्या मानते हैं पूरे गोलीकांड को और क्या देखते हैं कि उस सपनों का उत्तराखंड बन पाया क्या? ये 28वीं वर्षगांठ है उन शहीदों की शहादत थी और राज्य को बने हुए 22 साल हो गए हैं और उन शहीदों के सपनों को तो छोड़ दीजिए, पूरा प्रदेश जो है लूटा जा रहा है। हमारे नौजवानों के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ हुआ, आप देख रहे हैं भर्ती में, तमाम भर्ती में घोटाले हैं और जिसके पास जुगाड़ नहीं है, जिसका पास पैसा नहीं है, वो नौजवान नौकरी नहीं पा सकता इस प्रदेश में। दुर्भाग्य से देखिए इतनी बड़ी स्थितियां पैदा हो गई। और महिला आरक्षण की बात थी, अपने महिला आरक्षण दिया था सरकार ने, लेकिन धीरे धीरे अभी हाईकोर्ट ने उस महिला आरक्षण को भी खत्म कर दिया। दो ताकतें थी, महिला शक्ति और छात्र युवा शक्ति, दोनों के साथ अन्याय हो रहा है लगातार और उन महिलाओं का आरक्षण भी हाईकोर्ट ने खत्म कर दिया। हमारी सरकार कुछ नहीं कर पाई, न अध्यादेश ला पाई, न कोई विधेयक ला पाई और न कोर्ट में पैरवी कर सकी। आप थोड़ा कह रहे हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट में पैरवी करेंगे, लाखों लाखों करोड़ों रुपया खर्च करते हैं ये अपने वकीलों पर, क्या कहाँ चले गए थे वकील हाईकोर्ट में पैरवी सही ढंग से क्यों नहीं? तो ये तमाम सारे सवाल हैं जिनको लेके अभी हमारी जनता को सोचना चाहिए कि इन दोनों पार्टियों ने बारी बारी उत्तराखंड को लूटा है, उत्तराखंड को बर्बाद किया है, इसलिए इन दोनों को इस उत्तराखंड से बेदखल किया जाना चाहिए, ये हमारा आह्वान है। पर सर, जिस तरीके से अधीन चयन आयोग में घोटाला हुआ व विधानसभा में चाहे वो कोई भी सरकारें आई हैं, नियुक्तियां की गई हैं बैकडोर से, उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? मुख्यमंत्री बेशक यहाँ पर कार्रवाई के नाम पे बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, क्या इसकी पूरी सीबीआई जांच होनी चाहिए? बिल्कुल, हमारी बात, हमारी मांग ही यही है। सब जगह हमारे यहाँ देहरादून में धरना चल रहा है, प्रयाग में हमारे लोग अमरनसर पर बैठे हैं, पिथौरागढ़ में भी चल रहा है, तो हमारी केवल और केवल यही मांग है कि इसकी उच्च स्तरीय सीबीआई जांच की जाए, हाईकोर्ट की निगरानी में, सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में या हाईकोर्ट के किसी सिटिंग जज से जो वर्तमान में कार्यरत है उस जज के द्वारा ये इस मामले में जांच की जाए, तभी सत्य का, क्योंकि बड़ी बड़ी मछलियों को तो अभी पकड़ा नहीं इन्होंने, ये तो छोटी छोटी मछलियाँ पकड़ के इन्होंने वो कर रखा है, लीपापोती कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी वाकई में गंभीर है जो अपने बयान दिए उन्होंने कि किसी को बख्शा नहीं जाएगा, तो छोटों को तो आपने पकड़ लिया है, जो इसमें बड़े नौकरशाह होंगे या राजनेता होंगे उनके खिलाफ भी जांच होनी चाहिए, वो सीबीआई कर सकती है, वो हाईकोर्ट के सिटिंग जज ही कर सकते हैं। इसलिए सही बात यह है कि हाईकोर्ट के सिटिंग जज से या सीबीआई से जांच, इसकी जांच कराई जानी। जैसे हमारे साथ काशी सिंह एरी, जिन्होंने साफ तौर पर बताया कि सिटिंग जज से ही इस पूरी जांच को कराई जानी चाहिए और जिस तरीके से अधीन चयन आयोग और विधानसभा में हुई नियुक्ति पर घोटाला हुआ है उसको लेकर मुख्यमंत्री जरूर गंभीर है, परंतु जो छोटी मछलियां थी उनको तो पकड़ लिया गया है पर बड़ी मछलियां अभी भी गिरफ्त से बाहर हैं। मैं अपने सहयोगी दीपक बंसवाल के साथ सुनील सोनकर, एबीपी गंगा, मसूरी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।